एक कंडक्टर में 0.2 एम्पियर करंट 30 सेकंड के लिए जा रहा है, तो हमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं 30 सेकंड में वो निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आई और टी की सहायता से चार्ज निकाल लेंगे। क्यू बराबर आई टी, जो कि चार्ज का वैल्यू है 0.2 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 30 सेकंड, मल्टीप्लाई होकर के 6 कूलम्ब आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो टोटल चार्ज बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्योंकि टोटल चार्ज हमारा 6 कूलम्ब यहाँ पे निकला हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम्ब होगा, तो डिवाइड देने पर हमारा ये आंसर चला आएगा। और कि एक वायर स्ट्रेट वायर ए बी है और इसका टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है। मान लेते हैं इसका एक इंड ए है, एक इंड बी है और इसका मिड पॉइंट ओ है। तब क्वेश्चन के अनुसार मिड पॉइंट से इसको मुड़ा जाता है ऐसा कि बी जो है वो ए पर चला आए। तो क्योंकि पूरा लंबाई का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो आधा लंबाई का रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, यानी ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो हम जानते हैं कि पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है 1/R इक्विवेलेंट से। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, इसलिए R इक्विवेलेंट 1 ओम आएगा, यानी बी आंसर होगा। क्या हुआ है, एक गैल्वानोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस 18 ओम है। शुरू में इसमें 30 डिवीजन यह शो कर रहा है, तो मान लेते हैं 30 डिवीजन बराबर 30 एम्पियर। जैसे ही इसमें से एक 12 ओम का संट हम लोग जोड़ते हैं तो ये जाने वाला जो करंट है वो दो भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं आई करंट गैल्वानोमीटर से और जो 30 माइनस आई करंट है वो संट से जाता है। तो क्योंकि ये संट और ये गैल्वानोमीटर ये दोनों पैरेलल में अटैच है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो भी बराबर क्या होता है, आई आर। इसमें बहने वाला करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस आर है। इसमें बहने वाला करंट 30 माइनस आई है और इसका रेजिस्टेंस 12 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18i, ये 30 × 12, ये आई इंटू 12, इसके बाद ये 18i और ये -12i, इसको हम बराबर के इस ओर लाएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी 18 और 12 30i हो जाएगा। ये 30 × 12 है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, आई का वैल्यू 12 एम्पियर यानी 12 डिवीजन होगा, तो सी आंसर होगा। इसमें 3-4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पर बने हुए हैं और हमें किसी भी दो कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्योंकि ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम ये दोनों लगातार है यानी कि सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं, इसलिए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी एंड ए सी बराबर 4+4 हो जाएगा, तो 4+4 8 ओम आ जाएगा। अब अगर हम फोटो बनाएं तो ये 4 ओम जैसे हैं वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 8 ओम यहाँ पे चला आएगा। तो अब ये दोनों जो है पैरेलल में है, इसलिए इनका इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4+1/8, इसको सॉल्व करेंगे 3/8 आएगा, यानी R इक्विवेलेंट 8/3 ओम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस R1 है वो R दिया गया है और इसका जो रेडियस है R1 उसको हमने R दिया हुआ है। इसके बाद इसको स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, ताकि इसका जो नया रेजिस्टेंस R2 है वो मान लेते हैं R' हो गया और इसका जो नया रेडियस R2 वो R/2 हो गया। अब हमें ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। फार्मूला देखो, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इंटू L/A। तो क्योंकि यहाँ पर लंबाई में बदलाव हो रहा है तो
तो लंबाई को हटाने के लिए हम अपने मन से ऊपर और नीचे एरिया से गुना कर देंगे, तो लंबाई और एरिया ये दोनों मिल करके वॉल्यूम बन जाएगा, और ये एरिया गुने एरिया एरिया स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें ये जो मटेरियल है ये सेम है दोनों केस में, वॉल्यूम भी सेम है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो एरिया स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। फिर हम लोग जब हम लोग एरिया का फार्मूला लिखते हैं तो सिलेंडर होने के चलते इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, यानी कि आर जो होगा आर वो पूरी तरह से ये स्मॉल आर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसी के आधार पे अगर फार्मूला लिखें आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू बाई आर वन पर होल पावर 4। इसलिए आर वन तो आर वन का वैल्यू जो है आर वन का वैल्यू आर दिया गया है और आर टू का वैल्यू आर डैश है, तो आर वन के जगह पर आर, आर टू के जगह पर आर डैश लिखेंगे। फिर आर टू हमको आर बाई टू है और आर वन हमको आर दिया गया है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पर पावर 4 है जो कि 1/16 आ जाएगा। तो हम लोग जब आर डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर डैश बराबर आ जाएगा 16 आर आंसर। हम लोगों को ये तीन रेजिस्टेंस दिया गया है और हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा। तो क्योंकि ये वायर डायरेक्टली यहाँ पे टच कर रहा है, यानी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इसका पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं V1 तो इसका भी पोटेंशियल होगा V1। इसी तरीका से अगर इसका पोटेंशियल V2 मानेंगे तो ये वायर बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे आके ज्वाइंट हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा V2। हम लोग देखते हैं इस आर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है, इसका भी V1 और V2 है, और इसका भी क्या है V1 और V2 है। तो क्योंकि इन तीनों आर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका भी कितना है V1 V2, इसका भी कितना है V1 V2, और इसका भी कितना है V1 V2। तो क्योंकि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसीलिए ये तीनों पैरेलल में कहलाएगा, और पैरेलल में फार्मूला के अनुसार 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r यानी आएगा 3/r, इसलिए r इक्विवेलेंट आएगा r/3 और ये हो जाएगा आंसर।